स्किन केयर कर सकते हो, वीकली एक बार कर लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब चीजें कर दीजिए साइड। तो सिर्फ 5 रुपए खर्च करके कैसे अपने फेस को बहुत ज्यादा चमकाना है और ब्राइट सा बना देना है, कैसे करना है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम जो ये स्किन केयर करेंगे वो हम 3 स्टेप में करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें करनी है क्लींजिंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है, और दूध लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कॉफी पाउडर। 5 रुपए का मतलब आप समझ गए होंगे ना, मैं 5 रुपए में स्किन केयर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 5 रुपए का आपको कॉफी पाउडर का पैक लेकर आना है, और बस वो पैक हफ्ते में एक बार ले लीजिए और अपनी स्किन के लिए यूज कर लीजिए, देखिए फिर स्किन पर कितना ज्यादा ग्लो आ जाता है। तो छोटी सी स्पून मैंने भर के डाल दी है कॉफी, और इसको कर देंगे हम मिक्स। ये जो हमारा क्लींजिंग वाला स्टेप होता है, बहुत वैसे तो जो भी पूरा स्किन केयर में स्टेप है सभी बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है, पर ये जो फर्स्ट स्टेप है ना इसको बहुत ही अच्छे से करना है आपको, स्किन की पूरी गंदगी जिससे निकल जाए और पूरे पोर्स भी आपके क्लीन हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको कर लिया है मिक्स, अब आपको अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है और इसको रब करना है, ठीक है। आपको 2 मिनट तक कम से कम ये लगाना है और अपने फेस को रब करना है। इसको आप इस तरह से लोगे और सर्कल में रब करोगे ना, इससे पूरी गंदगी आपके पोर्स तक की बाहर निकल जाएगी और स्किन बहुत जल्दी ब्राइट सी हो जाती है कॉफ़ी को अगर आप इस तरह से रब करते हो। कॉफ़ी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। तो जब 2 मिनट तक इस तरह रब कर लोगे तो उसके बाद इसको आप या तो गीला कपड़ा कीजिए उससे साफ कर लीजिए, या तो फिर नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप के लिए आपको एक बाउल लेना है, और इस बाउल के अंदर आपको मिक्स करना है। पहले तो कॉफी पाउडर लेना है थोड़ा 1 टीस्पून, और उसके बाद आपको इसके अंदर मिक्स करना है कोकोनट ऑयल और इसका एक पेस्ट बना लेना है। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब आप ये यूज़ करोगे तो जब आपने फर्स्ट स्टेप किया था, क्लींजिंग की थी, उस वक्त आपने अपने फेस को वॉश किया था, तो ये जो सेकंड स्टेप में जो चीज़ हम बना रहे हैं इसको आपको अपने गीले फेस पर ही यूज़ करना है, ठीक है। इसको ड्राई फेस पर यूज़ नहीं कीजिएगा, गीले फेस पर लगाएंगे तो ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कॉफ़ी स्किन को एकदम से चमका देती है, तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा ये स्टेप है ये मसाज का काम भी करेगा एंड ये स्क्रब का भी, ठीक है। तो इसको लीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए। एंड कलर का बहुत लोग आप बोलते हो कि मेरे हाथ पहले से गोरे हैं, तो कलर आपको नहीं पता चल पाता कि रंग गोरा इसे होता है या नहीं होता, बट आप फेस की जो मेरी स्किन की शाइन है वो तो देख लेते होंगे ना, कि मैं पैक लगाने के बाद जब आपको वॉश करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ग्लोई मेरी स्किन हाथ की लगती है और कितनी ज़्यादा ब्राइट लगती है, पहले से भी ज़्यादा ब्राइट लगती है। तो बहुत इफेक्टिव पैक आपको बताती हूँ, प्लीज़ ट्राई किया करें। हल्के हाथ से रब कीजिएगा क्योंकि कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से मतलब हार्श लगते हैं स्किन पर इस तरह रब करते हुए, तो हल्के हाथ से कीजिएगा। सेंसिटिव स्किन वाले अगर ये यूज़ करना चाहते हो पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, या ये देख लीजिए पहले कॉफ़ी आपको सूट करती है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लगाते जाओगे और हल्के हाथ से ऐसे रब करते जाओगे। ये आपको 5 मिनट तक जो स्टेप है ये फॉलो करना है, ऐसे सर्कल में आप कर सकते हो। आँखों के नीचे बिल्कुल रब नहीं करना इसको, क्योंकि जो कॉफ़ी के पार्टिकल हैं कोकोनट ऑयल में मिक्स नहीं होते हैं, तो थोड़े से हार्श लग रहे हैं, थोड़े से मतलब चुभ रहे हैं स्किन पर, तो आँखों के नीचे मत कीजिएगा इसको, आप लिप्स पर भी कीजिएगा लेकिन, ठीक है। लिप्स पर भी आपको ये करना है जिससे कि आपका जो होठों के डार्कनेस है वो दूर हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। तो आप इसको 5 मिनट तक रब करोगे, 5 मिनट के बाद इसको आप वॉश कर दोगे नॉर्मल पानी से। इस स्टेप के बाद ये देखिए कितनी ज़्यादा स्किन शाइन कर रही है। अच्छा, मेरे हिसाब से ना आपकी स्किन शाइनी एंड ब्राइट तभी लग सकती है जब वो डीपली नरिश होगी। तो हमने की है मसाज और उसके बाद शाइन आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ऐसे अलग से ऑयल आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल मेरे हाथ पर है, नहीं। तो देखिए हाथ पर भी थोड़ी शाइन आ गई है, इसको मैंने रब किया है तो बहुत शाइनी स्किन इससे हो जाती है। अब हम थर्ड स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे, उसके लिए हमें एक और बाउल ले लेना है, और बाउल के अंदर हम डालने वाले हैं फिर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, करीब 1 टीस्पून ही हमने बेसन ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे रोज़ वाटर, अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी डाल सकते हो, आप दूध डाल सकते हो। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे,
में मिक्स हो जाएगा एक थिक सा पेस्ट, एक थिक लेयर इस पेस्ट की अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। अब आपको रब नहीं करना, अब आपको सिंपली लगा लेना है बस और छोड़ देना है इसको 20 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर लिया, अब 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर देंगे। हमारा हो गया है वीकली स्किन केयर 3 स्टेप वाला, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। और ये देखिए स्किन बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। अच्छा आप लोग बोलोगे इतनी सारी चीज़ें ऐड की हैं और मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 5 रुपए में। अच्छा 5 रुपए सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप इसमें क्लींजिंग में मिल्क यूज़ करोगे वो हर घर में होता है, आप स्क्रबिंग एंड मसाज के लिए अब इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करोगे तो वो भी ज़्यादातर नॉर्मली हर घर में होता ही है। अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर मलाई ऐड कर सकते हो दूध की, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है डीपली, बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। एंड देन हमने जो लास्ट स्टेप फॉलो किया है उसमें हमने ऐड किया है बेसन, नॉर्मली वो भी हर घर में होता है। तो हमने जी बाहर से क्या लिया, वैसे तो कॉफ़ी बहुत लोगों को घर में ही मिल जाएगी लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो 5 रुपये का पैक लाइए एंड इस को फॉलो कीजिए। 3 स्टेप फेशियल, 3 स्टेप स्किन केयर, कुछ भी बोल सकते हो बट रिजल्ट ऐसा होगा ना कि आप कमेंट में आके मुझे ना थैंक यू बोलने वाले हो। एंड प्लीज़ यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा पॉजिटिव फीडबैक अपना। वैसे तो आप पॉजिटिव ही दोगे क्योंकि इसका रिजल्ट ही बहुत ही अच्छा आता है। आई होप आपको मेरा ये हाँ, उससे पहले फेस पर 1-2 ड्रॉप मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा पैक उतारने के बाद, ठीक है। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।